सिक्का उछले या ना उछले। कीचड़ जरूर उछलता है। दोस्तों इन दिनों निर्देशक राजकुमार हिरानी का नाम शाहरुख खान स्टारर फिल्म डंकी को लेकर चर्चा में है। डायरेक्टर की इस मूवी को दर्शकों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। इस बीच राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त स्टार मुन्ना भाई 3 को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और भविष्य में इस फिल्म को बनाने को लेकर बड़ा अपडेट दे दिया है। डंकी से पहले डायरेक्टर राजकुमार हिरानी कई शानदार फिल्म बना चुके हैं जिसमें संजय दत्त स्टारर मुन्ना भाई फ्रेंचाइजी का नाम भी शामिल है। इस फिल्म के अब तक 2 पार्ट को राजकुमार हिरानी ने बनाया है और दोनों ही फिल्में हिट साबित हुई है। फैंस को इस फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त यानी मुन्ना भाई 3 का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इस बीच डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई 3 को लेकर एक अपडेट दिया है जिसे जानकर फैंस के चेहरे खिल जाएंगे। शाहरुख खान स्टारर डंकी के प्रमोशन के दौरान राजकुमार हिरानी से मुन्ना भाई 3 को लेकर सवाल पूछा गया। समाचार एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में राजकुमार हिरानी जी ने इस फिल्म को लेकर खुलकर बात की। उन्हें बताया है मुन्ना भाई फ्रेंचाइजी की पिछली दोनों ही फिल्में काफी अच्छी बनी। मेरे पास आज की डेट में 5 अधूरी स्क्रिप्ट है लेकिन जब तक मैं उन दोनों फिल्मों की कहानी से इन्हें मैच नहीं कर लेता तब तक मैं मुन्ना भाई 3 को नहीं बनाऊंगा। हालांकि मैं इस फ्रेंचाइजी की एक और फिल्म बनाने के लिए काफी एक्साइटेड हूं, लेकिन अभी मैंने ये तय नहीं किया है कि इस पर मैं काम कब करूंगा। संजय दत्त का मेरे पास इसके लिए कॉल आता है लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हाँ एक कहानी मेरे पास है जो मुझे लगता है बन सकती है। मेरा मन बहुत है कि मैं इसे बनाऊं। इस तरह से राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई 3 को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अब इस खुलासे के बाद कई किंग खान फैंस ट्विटर पर हिरानी जी से मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म में किंग खान भी होंगे तो मजा आएगा। वही एक ने लिखा ये सर के संजू बाबा और अरशद वारसी की तिगड़ी के साथ बनाओ सर। वैसे दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी शाहरुख खान की डायहार्ड फैन है तो ऐसे ही शाहरुख खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।